हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वामी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो पिछले वीडियो में हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम और उसके बाद हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आज हम देखने वाले हैं एग्जांपल्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं ये सब हम देखने वाले हैं। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज का होने वाला है रोटेशनल डायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 18। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल में लेते हैं अ पर्सन सिटिंग ऑन रोटेटिंग चेयर। अ पर्सन सिटिंग ऑन रोटेटिंग चेयर, यानी मान लो कोई एक आदमी बैठा है गोल घूमने वाली चेयर पे। तो बच्चों, आप में से बहुत जन जिम तो गए होंगे या आपके यहाँ पर पार्क भी होगा। तो पार्क में क्या होता है, एक ऐसा रोटेटिंग टेबल होता है जिसके ऊपर हम बैठ के अपना वजन कम करते हैं। मान लो ये एक सोम्या है और ये सोम्या इस टेबल के ऊपर खड़ा हो गया और हाथ में पकड़े थे उसने डंबल्स। हाथ में क्या पकड़े थे, हाथ में पकड़े थे डंबल। और ये जो रोटेटिंग टेबल है ये गोल गोल गर्र 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 घूम रहा था। तो यहां पर इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसको नाम दे देते हैं I1। और ये जो चक्कर काट रहा था, जिस एंगुलर वेलोसिटी से चक्कर काट रहा था, उसको हम बोलेंगे ω1। अब ये सोम्या को बड़ी चूल थी, इसने क्या किए, अपने हाथ एकदम से स्ट्रेट कर दिए। ये टेबल के ऊपर इस सोम्या ने क्या किए, अपने हाथ एकदम से स्ट्रेट कर दिए। अब स्ट्रेट करते ही क्या हो गया, जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी वो क्या हो गई, वो एकदम से डिक्रीज हो गई। उसकी जो एंगुलर स्पीड थी वो एकदम से धीरे हो गए और वो धीरे धीरे घूमने लगा। भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है वो क्या हो गया, वो बढ़ गया, जिसके कारण इसकी जो स्पीड है वो कम हो गई। और यही है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमने क्या बोला था, जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है वो क्या था, वो था IW। अगर यहाँ पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, यानी एक्सटर्नल रोटेटिंग फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये टॉर्क मान लो अगर जीरो है तो इसका जो एल रहेगा, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, तो वो कांस्टेंट रहेगा। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब इस केस में अगर I1 ω1 जितना इनिशियली था उतना ही I2 ω2 हो जाएगा। अब I2 बच्चों बढ़ गया है, I का फॉर्मूला क्या होता है, m into r square। अब यहाँ पर उसने जो डंबल्स पकड़े थे उनका यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस दूर हो गया, जिसके कारण यहाँ पर I की जो वैल्यू है वो बढ़ गई। अब ये I की जो वैल्यू बढ़ गई, उसको तो भैया अपना एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखना था, जिसके कारण क्या हो गया, ये जो ω2 की वैल्यू है वो कम हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, जो I2 है इसकी वैल्यू बढ़ गई, जिसके कारण जो ω2 है इसकी वैल्यू घट गई है। इसी के कारण हमको क्या लगता है, हमको ऐसा लगता है कि भाई इसकी जो स्पीड है, एंगुलर स्पीड है, वो धीरे 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 हो गई है। अगर वही हाथ वो फिर से अपने पास में लेके आए तो क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यहां पर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है जिसके कारण एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है जिसके कारण इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो ये तो हो गई बच्चों पहली केस। अब दूसरी केस देखते हैं, दूसरी केस है बैलेट डांसर की। तो ये बैलेट डांसर को भी अपन इधर ही बना लेते हैं। तो दूसरी केस किसकी है, बैलेट डांसर की। भाई बैलेट तो आप सबने देखा होगा, इसमें क्या होता है, एक लड़की होती है या एक लड़का होता है, वो अपने पैरों के ऊपर स्केट बांध के बर्फ के ऊपर गोल 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 घूमते रहते हैं। जैसे मान लो ये कोई एक बैलेट डांसर है, राइट, ये बैलेट डांसर है, उसने अपने हाथ में समझ लो पोंग पोंग पकड़े हुए हैं। पोंग पोंग तो आपने देखे होंगे,
पोंग पोंग क्या होता है, जो आपने आईपीएल की मैच में जो लड़कियां अपने हाथ में लेके वो ऐसे गोल गोल घूमती है ना, तो उसको वो पोंग पोंग बोलते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, अपने पैरों में स्केट बांध के ये ऐसी गोल 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 घूम रही है, अपने एक्सिस के अलोंग घूम रही है। अब यहाँ पर इनिशियली क्या होती है, इनिशियली आप देखोगे उसके हाथ कैसे है, ऊपर की साइड में है, ऊपर की साइड में होने के कारण इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 कैसा है, कम है, और I1 कम होने के कारण जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसी है, वो है ज़्यादा। अब ये बीच में क्या करते हैं, बीच में अपने हाथ फैला देती है, ये मान लो उसने अपने हाथ फैला दिए इस तरह से, राइट, ये उसने अपने हाथ फैला दिए। अब इसने जो अपने हाथ फैला दिए जिसके कारण इसका जो रेडियस है, ये जो पोंपोन है, ये जो रेडियस है ये बढ़िया। अब ये जो रेडियस बढ़िया इसके कारण मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़िया। I का फॉर्मूला क्या है, mr2, मास तो कांस्टेंट है लेकिन रेडियस बढ़ गया है। पहले इनिशियल रेडियस कितना था, इतना था, ये हाथ और ये इतना रेडियस था, अब यहाँ पर रेडियस बढ़ गया है। अब ये जो रेडियस बढ़ गया है इसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण बढ़ने के कारण इसको जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या करनी है, वो तो कांस्टेंट रखनी है, जिसके कारण जिसका ओमेगा 2 है तो ओमेगा 2 घट जाएगा। सेम चीज यहां पर मिलने लगेगी, एक्सटर्नल टॉर्क तो कोई लग नहीं रहा है यहाँ पर, जिसके कारण एक्सटर्नल टॉर्क कैसा है, जीरो है। जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, ये हमने देखा हुआ है। बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या यहाँ पर, तो नहीं लग रहा है, जिसके कारण इसका एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होने के कारण एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। अब यहाँ पर इनिशियल और फाइनल स्टेज में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो हम कहेंगे I1 ω1 = I2 ω2। अब यहाँ पर जो I2 उसका बढ़ गया तो इसका ओमेगा 2 घट गया, ये भी क्या है, तो ये भी एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। ये तो हो गया बच्चों दूसरा एग्जांपल। अब बात करते हैं तीसरे एग्जांपल की, तो तीसरा एग्जांपल किसका है, तो बच्चों स्विमिंग पूल में तो आप गए होंगे, कोई लोग बहुत ऊपर जाते हैं, ऊपर से छलांग लगाते हैं और गोल 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 घूम के अंदर में गिरते हैं। तो यहाँ पर ये मान लो उस स्विमिंग पूल के ऊपर की पट्टी है जिसके ऊपर अपना चंटू खड़ा है, राइट, ये चंटू खड़ा है, नीचे में है स्विमिंग पूल। अब ये चंटू क्या करेगा, ये चंटू यहाँ से छलांग मारेगा, और जैसे ही ये छलांग मारेगा तो ये मान लो इसने ऐसे छलांग मार ली, ये यहाँ पर चंटू है, ये उसके हाथ है। अब यहाँ पर उसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर की है, तो ये क्या करेगा, ये अपने शरीर को पास में ले लेगा, ये उसका शरीर हो गया पास, और यहाँ पर वो ऐसे गोल 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 घूमते हुए नीचे पानी में गिर गया। यहाँ पर पानी भर देता है वरना बेचारा उसका सर फूट जाएगा, तो ये हमने यहाँ पर पानी भर दिया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के बिल्कुल नज़दीक आ गया। अब यहाँ पर बॉडी के नज़दीक आ गया जिसके कारण क्या हो जाएगा, जिसके कारण इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, जो I1 की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, और ये जो I1 की वैल्यू कम हो गए उसको कॉम्पनसेट करने की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो उसके बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर उसके हाथ बड़े थे जिसके कारण यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था, अब और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने के कारण एंगुलर वेलोसिटी कम हो गई। अब यहाँ पर इन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने के कारण क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो ये बहुत ज़्यादा चक्कर काट सकेगा। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई तो इसके क्या होंगे, ज़्यादा चक्कर होंगे, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर, ऐसे काट के वो पानी में ऐसा सीधा जंप कर देगा। तो ये है बच्चों तीसरा इसका एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल का नाम क्या है, तो इस एग्जाम्पल का नाम है अ पर्सन डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल, शायद स्विमिंग का स्पेलिंग गलत हो गया है, स्विमिंग पूल ड्यूरिंग कंपटीशन। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के तीन एग्जाम्पल हो गए। आज का लेक्चर बच्चों यहीं पर ख़त्म करते हैं, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये लेक्चर, अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।